हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आऊँ। फ्रेंड्स ये वीडियो जो है ये ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है, ठीक है। फ्रेंड्स अभी आज के टाइम पे ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। फ्रेंड्स जब से ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है उसके बाद से तो बहुत ही जरूरी हो गया है। नहीं तो अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े जाएंगे तो चलान आपके पास तुरंत है। तो फ्रेंड्स ड्राइविंग लाइसेंस होना आपके पास बहुत जरूरी है, चाहे वो चलान कटे या ना कटे ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको अपने इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कहीं किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप घर बैठे ऑनलाइन अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पहले आप लर्निंग के लिए अप्लाई करेंगे और जब आपका लर्निंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एक महीने के बाद आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सारे काम आपके ऑनलाइन होंगे। तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी नॉलेज दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात ये आती है कि ड्राइविंग लाइसेंस किसका बनेगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, यदि आप आज अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं तो आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोगों का ही ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। 18 साल से कम के लोगों का कोई भी कार मोटरसाइकिल वगैरह चलाना बिल्कुल अनऑथराइज है और उनको जुर्माने की राशि देनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स, जो अमेंडमेंट एक्ट में पास किया गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहला आपको 18 साल का होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें पैसा कितना लगेगा। तो पैसा मैं बता दूं कि यहाँ कोई इतना पैसा नहीं लगेगा जितना कि दलालों के पास आप चक्कर लगा लगा के देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मान के चलिए 200 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि कार के लिए कर रहे हैं तो 200 रुपये, और यदि दोनों के लिए कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कार और मोटरसाइकिल के लिए, तो आपको 400 रुपये में आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और लर्निंग के बाद यदि आप उसे परमानेंट करवाएंगे तो मान के चलिए आपको 1000 से 1500 रुपये के आसपास लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कुछ फिटनेस की जांच वगैरह करानी पड़ती है। तो डॉक्टर्स के जो 100, 200 या 300 मतलब जो लग जाए, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो उस तरीके से मतलब कुछ चार्जेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, वैसे 1000 से 1500 के बीच में आपका ये पूरा का पूरा लाइसेंस बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसके बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फॉर्म कहाँ फिलअप करना है क्या है तो वो मैं आपको आगे प्रोसेस उसका पूरा दिखा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। बट फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उन डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट आप कर लीजिए, जैसे कि आपके पास फॉर्म वन होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्म वन आपको साइट से मिल जाएगा, अगर आप फॉर्म वन डायरेक्ट चाहते हैं तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्म वन आपके पास होना चाहिए और इसके अलावा आपका जो है एज प्रूफ आपके पास होना चाहिए और आपके पास जो है एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फॉर्म वन तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म वन पे आपको, इस फॉर्म वन को मैं आपको बता दूं, इसे डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, फिजिकल फिटनेस डिक्लेरेशन फॉर्म। इस फॉर्म पे ही आपको किसी डॉक्टर से, ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें सिग्नेचर कराने पड़ेंगे, इसे ऑथराइज कराना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डॉक्टर आपसे 100, 200 जितने मतलब आपसे फाइनल हो जाए, आपको इस पे उनके सिग्नेचर चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, सिग्नेचर और स्टैम्प। और फॉर्म वन के बाद आपको मैं आप बता दूं कि एज प्रूफ, एज प्रूफ में आपको क्या क्या लग सकता है। एज प्रूफ के लिए मैं आपको बता दूं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा यदि आपके पास आधार कार्ड है तो बहुत ही अच्छा है, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, ये सारी की सारी चीजें जो है आपके एज प्रूफ में काम आएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा बात आती है एड्रेस प्रूफ के लिए। तो एड्रेस प्रूफ के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका पासपोर्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, बिजली का बिल हो गया, और इसके अलावा एफिडेविट भी लगा सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा एम्प्लॉय सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा आप मैरिज सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ चीजें हैं जिनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
ये तीनों चीजें आपके पास होनी बहुत जरूरी है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपके पास एक फोटो सिग्नेचर, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी होना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो भी एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ है, तो फ्रेंड्स इसका पीडीएफ आपके पास पड़ा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्योंकि आपको इसे अपलोड करना पड़ेगा, तो इसका जो साइज है वो 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, चाहे ये जेपीईजी में हो, जेपीजी में हो या फिर पीडीएफ में हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे आपको स्कैन करके अपने पास रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम चलते हैं अब लैपटॉप स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है फ्रेंड्स, और वहां मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपका वेब ब्राउजर है उसे आप ओपन कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद जो सर्च बॉक्स में आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, आपको यहाँ पे टाइप करना है PARIVAHAN.gov.in, ठीक है फ्रेंड्स। इस साइट पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही फ्रेंड्स नीचे देखिए आप आएंगे व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड ड्राइविंग लाइसेंस। तो हमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो आपको कुछ नहीं सीधे सीधे ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करने के बाद सीधे सीधे ये आपकी जो है ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इस वेब पेज में आपको यहाँ पे देखिए अपना स्टेट डालना है, तो यहाँ पे आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका स्टेट है वो डाल दीजिए, जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ, ठीक है। आपका जो भी हो, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जो भी हो आप डाल दीजिए। यहाँ पे डालने के बाद देखिए इस प्रकार का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस वेब पेज में आपको देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आपको जाना है। क्लिक करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे आ रहा है सबसे ऊपर न्यू लर्नर लाइसेंस, ठीक है फ्रेंड्स, हमें लर्नर लाइसेंस बनाना है। इसके नीचे ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं दबाना, हमें न्यू लर्नर लाइसेंस, ठीक है, हमें अभी लर्निंग बनानी है। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस वेब पेज में देखिए यहाँ पे कुछ इसने बता रखा है, फिल एप्लीकेशन डिटेल, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले नंबर पे आपको एप्लीकेशन डिटेल डालनी है, जो भी अभी फिलअप करेंगे हम लोग। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास, पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो कुछ भी आपने रखा हुआ है एड्रेस प्रूफ के लिए, एज प्रूफ के लिए, वो यहाँ पे अपलोड होगा। उसके बाद यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको टेस्ट स्लॉट बुकिंग, यानी कि किस दिन पे आपको टेस्ट देना है, उसकी स्लॉट बुकिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद पेमेंट फीस, फीस पेमेंट करने के बाद हमारा सारा यहाँ का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ऊपर ये पूछ रहा है यू आर ए डिप्लोमेट या एक्स सर्विसमैन, फिजिकल एंड चैलेंजेस वगैरह, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इनमें से कुछ हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि एप्लीकेशन के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है आपको, और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरी तरीके से फिल करना है। तो फ्रेंड जल्दी जल्दी जो भी है फटाफट करिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप अपना स्टेट डाल दीजिए, जो भी आपका स्टेट है, ठीक है। जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है, मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया। यहाँ पे आपका आरटीओ ऑफिस आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। जो भी आपका आरटीओ ऑफिस है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स आरटीओ ऑफिस डालने के बाद पिन कोड अपने आप ही, यहाँ पे पिन कोड डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ले लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो भी नाम है आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है फ्रेंड। जो मिडिल नेम है, जैसे कि आपका नाम है रवि कुमार वर्मा, तो बीच में कुमार आ जाएगा, लास्ट में वर्मा आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपका कोई रिलेशन है, जैसे कि आपके कोई फादर, मदर या हस्बैंड, आप किसी का नाम देना चाहते हैं रिलेशन में, तो यहाँ पे कुछ भी दे दीजिए, फादर मदर, चलिए फादर दे दीजिए, सबसे बेस्ट है, ठीक है फ्रेंड। फादर का नेम यहाँ पे डाल दीजिए, उसी तरीके से जो भी नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा आपको डालना है। ये डालने के बाद ये देखिए आपको फुल नेम है पर रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे पूरा नाम यहाँ पे लिख दीजिए अपना, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, तो ठीक है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो मेल फीमेल। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आपका बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सन है आपका, जैसे भी है, ठीक है फ्रेंड्स, वो सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज पता चल जाएगी पूरी पूरी। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए, ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई क्वालिफिकेशन है, एट पास है तो एट पास, डिप्लोमा या कुछ भी है, ठीक है फ्रेंड्स, आप डाल दीजिए डिप्लोमा। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इन नॉन मेडिकल साइंस, ठीक है फ्रेंड्स, ये डाल दीजिए, ओके।
और यहाँ पे अगर आपको ब्लड ग्रुप अपना पता है तो वो डाल दीजिए, और अगर नहीं पता तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप चला जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे नंबर आपको पता है तो नंबर डाल दीजिए। नंबर डालने के बाद अपना ईमेल आईडी अगर यदि आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से आपका मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो और मोबाइल नंबर डालना बहुत जरूरी है, आप फोन नंबर नहीं डालिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मोबाइल नंबर आपको डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। 91 करके जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और इमरजेंसी मोबाइल नंबर यानी कि कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा यदि ये मोबाइल नंबर काम ना करे तो। इस नंबर से मान लो कोई सूचना देनी हो या कोई किसी प्रकार का कोई काम हो तो यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद बात आती है आइडेंटिफिकेशन मार्क वन, यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क वन का मतलब आपके शरीर पे किसी प्रकार की कोई आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपके कहीं पे चोट लगी हुई है, कोई किसी प्रकार का कोई निशान है जो परमानेंट है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, एक या दो जितने भी हैं तो है तो डाल दीजिए, अच्छी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद नीचे आते जाइए फ्रेंड्स, नीचे आने के बाद आप इसमें देख सकते हैं आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है, ठीक है फ्रेंड। प्रेजेंट एड्रेस में मैं आपको बता दूं जो स्टेट है आपका अपना आ गया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल दीजिए जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आप तहसील सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आप विलेज और टाउन, जो भी विलेज है आप वो विलेज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका जो हाउस नंबर है वो डाल दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद पुलिस स्टेशन आपका, ठीक है फ्रेंड, हो गया गाजियाबाद, यहाँ पे पिन कोड, ठीक है फ्रेंड, जो भी पिन कोड है आप यहाँ पे डाल दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और आप यहाँ पे मतलब प्रेजेंट एड्रेस ड्यूरेशन कितनी है आपकी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डाल सकते हैं कितने साल से आप यहाँ पे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये डाल दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूरा का पूरा आपका प्रेजेंट में जहाँ पे हैं आप वो पूरा एड्रेस डाल दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरीके से आपको परमानेंट एड्रेस पूरा भरना है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे हैं और जो परमानेंट एड्रेस है दोनों एक है, तो कुछ नहीं करना, आपको कॉपी इसके ऊपर क्लिक कर देना, कॉपी टू परमानेंट एड्रेस, तो इसने पूरा इसमें कॉपी कर लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरा का पूरा हो गया, और इसमें आपको नीचे आना है, ठीक है फ्रेंड्स। नीचे आने के बाद इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन आ रहे हैं मोटर व्हीकल, यहाँ पे आपको किस चीज़ के मतलब अपना लाइसेंस बनाना है, ठीक है फ्रेंड। तो मोटरसाइकिल के बनाना है तो हमें मोटरसाइकिल विथ गियर, ठीक है फ्रेंड, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे मोटरसाइकिल विथ गियर, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस तीर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा यदि आप कार के लिए भी बनाना चाहते हैं तो मोटर व्हीकल, ठीक है फ्रेंड्स, इस पर आप क्लिक कर देंगे इसी तरीके से, और यहाँ पे तीर पे क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं, हमें मोटरसाइकिल के लिए भी बनाना है और कार के लिए भी बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। यदि हमें केवल मोटरसाइकिल के लिए बनाना है तो हम यहाँ से कार को हटा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बनाना है वो बना लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आ रहा आई हैव बीन कन्विक्ट, यानी कि लाइसेंस विद कैंसर, यानी कि आपको कभी लाइसेंस को कैंसिल नहीं किया गया या फिर किसी प्रकार से किसी संदिग्ध उसमें नहीं पाया गया, ठीक है फ्रेंड्स। यदि ऐसा कुछ है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो इसे छोड़िए, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे यदि एप्लीकेंट ने कहीं पे ड्राइविंग स्कूल से कोई ट्रेनिंग ली है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, वरना मत कीजिए। इसके बाद देखिए, ये लिख रहा है आई एम विलिंग टू डोनेट माय ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपके जो ऑर्गन्स है उसको डोनेट कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है तो अभी क्लिक मत कीजिए। आई हैव डिक्लेयर बेस्ट नॉलेज, यानी कि जो कुछ भी मैंने अपना यहाँ पे शो किया है वो सारा का सारा मेरी नॉलेज के अंतर्गत है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे यस पे क्लिक है, ठीक है फ्रेंड, यस पे रहने दीजिए, और इसके बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये देख सकते हैं ओके ऊपर आएगा, ठीक फ्रेंड। यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स, वरना ये आपको मैसेज देगा यू आर श्योर यू वांट टू सबमिट द डाटा, यस ओके। देखिए फ्रेंड्स ये ओके हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक्नॉलेजमेंट आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। आपका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट कौन सी है, नाम क्या है, फादर्स नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, एक मैसेज आपके मोबाइल पे भी आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके मोबाइल पे भी आ गया होगा, और इसमें आपको अगर आप चाहते हैं तो इसे प्रिंट करके रख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे प्रिंट करके रख लीजिए, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन सेव करके इसे रख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप सेव कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंट निकालने के बाद, ठीक है, सेव करने के बाद आप सीधे यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद देखिए इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका नाम, फादर नेम पूरा सब कुछ दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी नीचे इसमें आते जाइए, नीचे आने के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि आपका ये प्रोसेस पूरा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पूरा हो चुका है, इसके बाद आप अपलोड डॉक्यूमेंट, अब आपको क्या है अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। इससे पहले मैं अभी नीचे और देख लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए पेंडिंग दिखा रहा है, ओके। तो अब यहाँ पे इसे आप प्रोसीड कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। प्रोसीड पे करने के बाद देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आ गया, तो यहाँ पे सबमिट कर दीजिए सीधे सीधे, ठीक है फ्रेंड्स। सबमिट करने के बाद आप देखिए पूरी डिटेल दिखा रहा है आपका, यहाँ पे ओके करने को कह रहा है, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए, ठीक है। ओके करने के बाद ये देखिए अब ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे अब आपको सारा ऊपर का फिट है एकदम, और नीचे देखिए आपका डॉक्यूमेंट सारा, ठीक है फ्रेंड। डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फॉर्म डिक्लेरेशन, ठीक है फॉर्म वन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एज प्रूफ यहाँ पे डाल देते हैं, जो भी आपका एज प्रूफ का है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे डालिए अपना, और जो भी आपके पास है जैसे कि पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, तो डाल दीजिए। फोटो आई डी कार्ड इशू बाई सेंट्रल स्टेट, फोटो आई डी कार्ड मीन्स यही हो गया आपका, वोटर आई डी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है। जो भी चीजें आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे फोटो आईडी कार्ड पे क्लिक करके, और जो भी आपका है डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डालिए, ठीक है फ्रेंड। अथॉरिटी और यहाँ पे इशू डेट डाल दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे चूज फाइल करके जहां पे भी आपने फाइल रखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड, उस पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया था 200 KB तक की ही फाइल होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। जो भी आपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट रखा है वो 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, JPEG में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए या फिर PDF में होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद आप सीधे सीधे अपलोड पे क्लिक कर देंगे आप, और देखिए अपलोड पे क्लिक करते ही अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए व्यू, अगर व्यू देखना चाहते हैं व्यू पे क्लिक कर दीजिए, लेकिन आप कन्फर्म कीजिए सीधे सीधे, टाइम बहुत कम है। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए अपलोड मैंने कर दिया, और नीचे आप देख सकते हैं मेरा जो एज प्रूफ है, ठीक है, फोटो आईडी कार्ड ये मेरा सेव हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो एक काम तो आपका हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम दोबारा से जो नए पेज पे आए हैं इसमें हमको अब यहाँ पे दोबारा से नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोसीड करने के बाद सबमिट कीजिए, सबमिट करने के बाद ओके कीजिए, ओके करने के बाद उसी तरीके से आपको फिर से अपना दूसरा जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। एज प्रूफ हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स, और अब हमें एड्रेस प्रूफ डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब एड्रेस प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ भी आप उसी तरह सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी एड्रेस प्रूफ है आपके पास, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस की पॉलिसी है कोई, ठीक है, आधार कार्ड है, तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया था, तो फ्रेंड्स आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, आधार कार्ड ही डाल लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आधार कार्ड डालने के बाद उसी तरीके से आपको नंबर डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। डेट ऑफ इशू और चूज फाइल, जहां पे आपकी फाइल पड़ी है उस फाइल को चूज कर लीजिए। तो फ्रेंड जो भी डॉक्यूमेंट है आपने इसमें डालने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधे सीधे अपलोड कर देंगे, लेकिन वही 200 KB तक ही होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अपलोड पे क्लिक करते ही ये देखिए अपलोड शुरू हो जाएगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ का, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद अगर देखना चाहते हैं देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे कन्फर्म कर दीजिए सीधे सीधे, कन्फर्म में क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद आप नीचे आइए, ठीक है फ्रेंड्स। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आप सीधे सीधे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये पेज ओपन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इस पेज में सीधे सीधे आप नीचे जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, ठीक है। सबमिट करते ही सीधे ओके कर दीजिए। ओके करते ही देखिए अब यहाँ पे जो आपका एक डॉक्यूमेंट और डालना है, ठीक है, फॉर्म वॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन। तो फ्रेंड मैं बता दूं इसका PDF मैं आपको दे दूंगा लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्म वन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं फॉर्म वन कैसा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये है फॉर्म वन, देखिए मेरे पे पड़ा हुआ है, ये फॉर्म वन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ये फॉर्म वन है, इसमें आपको अपना जो भी इसका प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है, इसमें नाम परमानेंट यहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। वाइफ का नाम या सन, वाइफ, डॉटर जो भी है वो डाल दीजिए, परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, टेम्परेरी एड्रेस डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, एज डाल दीजिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वही अगर आपके शरीर पे कोई निशान है वो डाल दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब डालने के बाद आपको सीधे सीधे यहाँ पे आके अपना सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन लगा देना, ठीक है फ्रेंड्स। यदि सिग्नेचर नहीं कर सकते तो अंगूठे का निशान लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका प्रिंट आउट निकाल के इस काम को कर लेना आपको, ठीक है। फिर उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे फाइल को चूज कीजिए, सॉरी यहाँ पे पहले सेलेक्ट कीजिए फॉर्म वन, ठीक है, फॉर्म वन डिक्लेरेशन, ठीक है। और
इसी तरीके से आपको यहाँ पे आना है, फाइल को चूज कर लीजिए, जो फाइल मैंने अभी जो भी फॉर्म वन आपने डाउनलोड करके और फिल करके उसे सबमिट प्रिंट करके रखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारा फॉर्म भरने के बाद सीधे आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अपलोड कर दीजिए, देखिए ये हो गया, व्यू देखना चाहते हैं देखना चाहते हैं, सीधे कंफर्म कर दीजिए, आपका फॉर्म वन यहाँ पे चला गया, ठीक है। फॉर्म वन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका लिंक से आपको मिल जाएगा। देखिए मेरी तीनों चीज़ें चली गई, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे सीधे सीधे आपको नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से चलते रहिए बस। और इसके बाद देखिए आप नीचे आइए, सीधे सीधे नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके दो चीज़ कन्फर्म हो गए हैं, फॉर्म भी फिलअप हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भर गया है, अपलोड हो गया डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो करना है, ठीक है फ्रेंड। तो प्रोसीड कीजिए, उसी प्रकार से आप फोटो को स्कैन करके रख लीजिए, सिग्नेचर को स्कैन करके रख लीजिए जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्राउजर कीजिए, जहाँ भी आपका फोटो पड़ा हुआ उस फोटो को डाल दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप सिग्नेचर डाल दीजिए, जो भी सिग्नेचर है आप सिग्नेचर डाल दीजिए, ठीक है। व्यू अपलोड एंड व्यू फाइल, तो यहाँ पे सीधे सीधे आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए ये फोटो वगैरह सब कुछ शो कर रहा है, ठीक है। अब ये हमारा सब कुछ ओके है, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। यहाँ पे सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा, तो देखिए फ्रेंड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। आप सीधे सीधे आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स हमारा ये सारा का सारा काम यहाँ तक हो चुका है, और नीचे आइए आप इसके बाद। तो देखिए फ्रेंड्स अब इसके बाद है फी पेमेंट पे आपको जाना है, सीधे प्रोसेस कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे तो देखिए पेमेंट का आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अमित कुमार इशू मोटर बाइक, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 200 रुपये अलग लग रहे हैं, बाइक के जो मैंने आपको बताया था 200 रुपये 200 रुपये लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके 200 रुपये कटेंगे। तो कैसे आपको पेमेंट करनी है, बैंक से करनी है, तो स्टेट बैंक का यहाँ पे जरूर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। स्टेट बैंक और ये जो कैप्चा दे रखा है इसे आप डाल दीजिए, और इसके बाद पे नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। आपके 200 रुपये लगेंगे आपका अगर मोटरसाइकिल का बनवा रहे हैं तो पे नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए 200 रुपये का आपका ये यहाँ पे पूरा नीचे आइए आप, ठीक है। आइए एग्री कर दीजिए, यहाँ पे एग्री करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे करने के बाद देखिए ये प्रोसेस चल रहा है आपका, अब आपको यहाँ से सीधे सीधे पेमेंट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है या अदर बैंक है या फिर अदर बैंक का डेबिट कार्ड वगैरह है आपके पास, तो सीधे सीधे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। किसी और बैंक का है तो किसी और बैंक का, स्टेट बैंक का है तो स्टेट बैंक का, और यहाँ पे आने के बाद आप सीधे सीधे यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करते ही देखिए आपका जो भी कार्ड का नंबर वगैरह जो भी है यहाँ पे डालिए और सीधे सीधे यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस काम को पूरा करिए आप। तो फ्रेंड्स पेमेंट सक्सेसफुली होते ही आपको इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ से आप क्लिक एयरपोर्ट प्रिंट पर क्लिक करके अपना कैप्चा वगैरह डाल के यहाँ से पेमेंट स्लिप निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंट आउट इसका निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक का प्रोसेस हमारा पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स पेमेंट वगैरह का प्रिंट निकालने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंट निकालने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे आना, ठीक है फ्रेंड। देखिए अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ तक का तो हमारा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और डॉक्यूमेंट भी हमने अपलोड कर दिया, पेमेंट फी भी कर दिया, ठीक है। अब हमें अपॉइंटमेंट बुक करना है, यानी कि हमें जिस दिन टेस्ट देने जाना है, ठीक है फ्रेंड्स, उस दिन का हमें यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। तो लर्निंग टेस्ट वाला जो है सबसे ऊपर वाला आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सारथी सर्विस सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है वो नंबर डालना पड़ेगा, तो उस नंबर को आप डाल लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट की थी वो डाल दीजिए, और इसके बाद देखिए जो वेरिफिकेशन जो कैप्चा आ रहा है इसे आप डाल दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद आप सीधे सीधे यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। सबमिट करते ही यहाँ से आप स्लॉट बुक कर लेंगे, जिस भी डेट को बुक करना चाहते हैं, 10 को 12 को 9 को, जिस भी डेट, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये रेड कलर के हैं यानी कि ये बुकिंग हो चुकी है, जो ग्रीन कलर है उनमें बुकिंग होनी, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप उस डेट को स्लॉट को यहाँ से बुक कर लेंगे और इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारा काम आप कर लीजिए। तो फ्रेंड स्लॉट बुकिंग का प्रिंट आउट निकालने के बाद, ठीक है फ्रेंड, उसे सेव करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे स्लॉट बुकिंग का भी हो गया, हमें किस दिन अपना जो भी है अपना टेस्ट देने जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये काम भी हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भी हो गया सारा, और पेमेंट स्लिप भी हमें प्रिंट आउट निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए नीचे डाउनलोड फॉर्म पे आइए आप, ठीक है फ्रेंड। डाउनलोड फॉर्म पे आने के बाद नीचे क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड, इस पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो डेट ऑफ बर्थ था वो डाल दीजिए फ्रेंड्स, फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही ये देखिए आपका फॉर्म जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स ये फॉर्म आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, सबमिट करती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए फॉर्म में आपको अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म को आपका जो है इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्रिंट आउट निकाल के इसमें मैं बता दूं, इसमें सारा का सारा अपने आप ही फिल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जहां जहां आपने जो जो जैसे जैसे भरा है फटाफट फटाफट, ठीक है फ्रेंड्स, ये सिग्नेचर वगैरह आपके सब यहाँ पे वैलिड हो गए। यहाँ पे आपको नीचे आना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मेडिकल ऑफिसर के आपको यहाँ पे सिग्नेचर कराने पड़ेंगे, उनकी मोहर लगानी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये लगा करके ही आप इस फॉर्म को लेके जाएंगे। फ्रेंड आपने अब फॉर्म फिलअप कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्म फिल करने के बाद मैं आपको बता दूं कि अब आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आरटीओ ऑफिस जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हो उस दिन आपको जाना पड़ेगा, और ये जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ इनको साथ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो अपॉइंटमेंट स्लिप आपको मिली है, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कि टाइमिंग और डेट लिखा हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा फॉर्म वन आपके पास होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें डॉक्टर के सिग्नेचर और मोहर होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा आपके पास पेमेंट स्लिप भी आप अपने पास रख लीजिएगा, कहीं वो बाद में कुछ ऑब्जेक्शन ना करें कि आपकी पेमेंट जमा नहीं हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीनों होने के साथ साथ आपके पास अगर एज प्रूफ साथ में ले लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और एड्रेस प्रूफ भी आप साथ में ही रख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। ये सारी चीजें लेके आपको जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हो आपको उस दिन वहां पे जाना है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स एग्जाम देने के बाद, एग्जाम क्लियर होने के बाद आपका जो है लर्निंग लाइसेंस तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और लर्निंग लाइसेंस तैयार होने के बाद मैं आपको बता दूं, एक महीने तक आप लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हैं, और उसके एक महीने के बाद आपको इसे परमानेंट कराना पड़ेगा, यानी कि पक्का कराना पड़ेगा। तो एक महीने से लेकर छह महीने के अंदर अंदर आपको इसे करा लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये अनऑथराइज हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब एक महीने के बाद आप जब दोबारा से इसे अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि दोबारा से बिल्कुल यही प्रोसेस होगा, ठीक है फ्रेंड। इसी तरीके से फॉर्म फिलअप होगा, आपको उस फॉर्म में जो है अपना ये लर्निंग लाइसेंस का नंबर देना पड़ेगा कि आपका लर्निंग बन चुका है, तो फिर आपको प्रॉपर जो है परमानेंट के लिए अप्लाई का प्रोसेस चलेगा, ठीक है फ्रेंड। उसी तरीके से फिर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तो वहां पे भी आपका टेस्ट होगा, तो वहां पे जो टेस्ट होगा वो रिटर्न में नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, वो होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट, यानी कि आप बाइक या कार पे जो जिसका भी लाइसेंस बना रहे हैं वो आपसे चला के टेस्ट किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। गाड़ी आप अपने साथ ही ले जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि वहीं से मुझे गाड़ी मिल जाए, गाड़ी आप अपने साथ लेके जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद जैसे ही आप उस टेस्ट को पास कर लेंगे, तो विद इन 15 डेज, ठीक है फ्रेंड्स, 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे आपका परमानेंट लाइसेंस, यानी कि पक्का लाइसेंस आपके घर पे अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको लाइसेंस की पूरी नॉलेज दे दी है, और आगे परमानेंट नॉलेज लाइसेंस के बारे में भी पूरी नॉलेज दे दूंगा कि किस तरीके से इसका फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं आगे लेके आने वाला हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको लाइसेंस बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियोस उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी।